चलो भाई, तो लास्ट लेक्चर में हमने आईडी में, आईएससी में मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी शॉर्ट में पढ़ लिया था। अब एक एक करके हर कैटेगरी को पढ़ेंगे। आईएससी की बुक्स में इतना ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, बट पढ़ेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। राइट डाउन द फर्स्ट वन चिल्ड्रन इन योर कॉपीज। कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। देश की कमाई जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली अप टू सर्टन एक्सटेंट पॉवर्टी विल गेट कंट्रोल्ड। कैसे सर होगा ये? भाई जीडीपी जब ग्रो करेगा कंट्री का, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि कंट्री में इनकम लेवल्स विल गो अप। यस और नो? इनकम लेवल जब बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज शैल ऑल्सो गो अप। जब डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज द सप्लाई, और सप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज को ऑफर करना पड़ेगा। एंड इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा लोगों को, और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा दे विल स्टार्ट अर्निंग मनी, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी शैल गो डाउन। पोपड़े में बात गई, तो इस पूरे पैराग्राफ में एग्जैक्टली यही कॉन्टेंट लिखा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड एंड मोर पीपल विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज। फार्म मतलब खेती बाड़ी, फैक्ट्री जो मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट। तो ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट मींस पीपल विल बी हैविंग मोर इनकम जनरेशन, एज अ रिजल्ट पॉवर्टी विल गो डाउन। तो पूरी थ्योरी तो रटना पॉसिबल है नहीं आपके लिए, ये डायग्राम फ्लो चार्ट जब आप लर्न कर लेंगे तो वहां पे एटलीस्ट आप खुद से लिख लेंगे, और अगर आप पहले नोट्स बना के लिख लेते हैं तो वहां पे आपको याद रहेगा कि आपको क्या लिखना है। बट इस लेवल पे तोते की तरह रटना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, अवॉइड जॉबलेस ग्रोथ। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करें बट वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें, मशीनें ज्यादा और वर्कर्स कम, तो मैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ मैन्युफैक्चरर तो बहुत रईस हो जाऊंगा, बट क्या ओवरऑल कंट्री ग्रो होगी? नॉट एट ऑल। तो इंडिया में भी वही चल रहा है बेसिकली, मोर यूज ऑफ एआई, मोर यूज ऑफ मशीन्स, मोर यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिससे जो ओनर है, जो सुपर स्किल्ड लोग हैं, उनकी तो ग्रोथ है बट इंक्लूसिव सबकी ग्रोथ नहीं है। सबका साथ कुछ का विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। फंडामेंटल अंडरस्टूड, लिख लो चैप्टर इसको, लेट्स प्रोसीड फर्दर। इट्स बी पार्ट, आई होप सो ये बी पार्ट ही था। अब ये खैर क्लास 12th के सिलेबस में टर्म है, फिस्कल मेजर्स होते क्या हैं? मैंने आपको एन नंबर ऑफ टाइम्स बताया हुआ, आज फिर बता रहा हूं। इकोनॉमिक पॉलिसी इज यूज्ड टू गवर्न द होल इकोनॉमी इन एनी कंट्री, इज दैट क्लियर? और इसमें दो बेसिक टूल्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पे आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, घटाएगा, नोट छापेगा, डिमोनेटाइजेशन करेगा, मनी सप्लाई कंट्रोल करेगा। जब आरबीआई को लगता है लोगों को पैसे की जरूरत है, फ्लैट्स बन के तैयार हैं, दुकानें बन के तैयार हैं, कोई बाहर जा ही नहीं रहा, गुड्स बन के तैयार हैं, कोई खरीदने जा ही नहीं रहा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेंगे। जब आपको हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे कम लगेगा तो हम बोरो करेंगे, जब हम बोरो करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो वील स्टार्ट बाइंग। ये सब कुछ किसमें होता है? मॉनेटरी पॉलिसी। वॉट इट क्लियर? बट ये एक तरह का सॉफ्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट का, बट गवर्नमेंट कह रही है हमारे लोग बड़े बदमाश हैं, खूब पैसा कमाते हैं तब भी नालायक खर्च नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे टैक्स बहुत लेते हैं। तो टैक्सेशन गवर्न होता है जिस पॉलिसी से, दैट इज नोन एज फिस्कल। तो जब गवर्नमेंट को लगेगा पब्लिक के हाथ में और पैसा आना चाहिए, टैक्स रेट्स को कम कर देंगे हम, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, खुल के खर्च करो। जब वो खर्च करेंगे तो बाजार में जो सामान नहीं बिक रहा था वो बिकने लग जाएगा। समझ में आ गया? और जब गवर्नमेंट को लग रहा है कि लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड बहुत हो गई है बट गुड्स इतने हैं ही नहीं, महंगे में सामान बिक रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट गवर्नमेंट विल डू? टैक्स रेट बढ़ा देगी। टैक्स रेट बढ़ाएगी तो ज्यादातर पैसा तो सरकार आपकी कमाई का चूस के ले जाएगी, आपके पास खर्च करने के लिए पैसे बचेंगे नहीं। भाई जब आपके पास पैसे ही नहीं है, आप बाजार जा ही नहीं पाएंगे, तो जो सामान बिक रहा था बाजार में बिकना कम हो जाएगा, नहीं एकदम से बंद नहीं होगा, कम हो जाएगा। आप जैसे सुपर रिच तो जाएंगे, हमारे जैसे गरीब नहीं जा पाएंगे, तो कम हो जाएगा, बंद बंद कुछ नहीं होने वाला, कम हो जाएगा फॉर टाइम बीइंग। व्हाट इट क्लियर? और जो चीजें बाजार में महंगी बिक रही थी, पहले भीड़ ज्यादा थी, अब वो महंगी नहीं बिक पाएंगी, कुछ ही लोग खरीद पाएंगे, तो सरप्लस स्टॉक बेचने के लिए शॉपकीपर क्या करेगा? प्राइस को कम कर देगा। तो इससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी कंट्रोल हो जाता है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? गरीबी कैसे कम करनी है। तो भैया गरीबी तभी कम होगी जब बाजार में गरीब के पास पैसा आएगा, पैसा तब आएगा जब लोग खर्च करेंगे, खर्च तब करेंगे जब गवर्नमेंट उनसे टैक्स कम लेगी।
तो एक लाइन की कहानी है कि हमको क्या करना चाहिए, टैक्स रेट रिड्यूस कर देना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए, पॉवर्टी रिड्यूस कम करनी है भाई, गरीबी कम करनी है। अगर टैक्स रेट बढ़ाओगे तो गरीबी कैसे कम होगी, गरीबी बढ़ जाएगी। बट अगेन सक्षम जी ने सही जवाब दिया, हम जनरली टैक्स रेट कम करेंगे, या अगर हम टैक्स रेट को बढ़ाते हैं तो एक्सेस टैक्स कलेक्टेड मनी को वी विल बी स्पेंडिंग ऑन द नॉन प्रिविलेज्ड क्लास, दैट इज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। खोपड़े में बात गई, तो दोनों ही बातें हैं, एक तरफ कभी भी कोई भी डिबेट नहीं चल सकती। सो सबसे पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट प्लेस ग्रेटर रिलायंस ऑन प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा, तो एक्सेस टैक्स कलेक्टेड वुड बी स्पेंट ऑन नॉन प्रिविलेज या पुअर क्लास। जो भी गवर्नमेंट के टैक्स के कलेक्शंस होंगे किस पे खर्च होंगे, पुअर सेक्शन अनप्रिविलेज पे, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। मतलब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, फीस में कोई डिस्काउंट नहीं, बट आप ही के स्कूल में गरीब का बच्चा एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर पढ़ने आता है तो उसकी टोटल फीस फ्री होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? बट खैर आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं तो प्राइवेट स्कूल्स पे इतना ज्यादा नहीं होता, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट आपको एडमिशन उनको देना पड़ेगा इफ दे फील लाइक। लॉजिक समझ में आ गया? मेजोरिटी केस में गरीब बच्चे इन स्कूलों में इसीलिए नहीं आते प्राइवेट स्कूल्स में, क्योंकि वहां की सोसाइटी के साथ कोप अप नहीं कर सकते। क्लियर? उनको थोड़ा सा ऑड लगता है कि भाई सब बच्चे यहाँ कार से आ रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं, सब बच्चे महंगा बैग लेके आ रहे हैं, हमारी बैग खरीदने की हैसियत नहीं है। गवर्नमेंट फ्री बुक्स देती है बट प्राइवेट स्कूल कोई एनसीईआरटी की बुक्स तो चलाता नहीं है, उसकी तो अपनी बुक्स होती हैं, तो बुक्स ही कम से कम 8-10 हज़ार की है, वो उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते। बट हमारे देश में कलाकार लोग ज्यादा है, वो गरीब है नहीं, बस सिर्फ गरीब दिखाते हैं। पूछ लो इंटरव्यू, मम्मी पास कौन सा आईफोन है, iPhone 25, और कह रहा है हमको आरटीई में एडमिशन दे दो। समझ में आ गया? एक बार मेरे चार्ट वाला पूछा था, सर वो स्कूलों में आरटी में कैसे एडमिशन होता है, मैंने तुम्हें क्या पूछना है, कह रहा सर वो बच्चे का एडमिशन करा, तो पर पैसे कम ही है, तो हमारे जैसे दो चार को नौकरी पर रख लो। तो इस तरह के बदमाश लोग भी होते हैं। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई? जो हम ग्रांट्स देते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की या घर बनवाने की, गरीब लोगों को ज्यादा देनी चाहिए, इसलिए गरीबों को हाउस लोन 4% पे मिलेगा, आपको और हमको 9.5% पे मिलेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? व्हाट आर फिजिकल मेजर्स? पक्का? चलिए तो झटपट इसको अपडेट करें, देन आई प्रोसीड फर्दर। तो ये थे हमारे फिस्कल मेजर्स, लेजिस्लेटिव मेजर्स। लोगों को पता होना चाहिए कि लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। द लॉ मेकिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट कुछ खास पॉलिसीज बनाएगी स्पेशली गरीबों के लिए, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, कि भाई मिनिमम एक पर्टिकुलर फार्मर को इतने दिन का जो भी वो काम गांव में कर रहा है, किसी के यहाँ भी जॉब कर रहा है, उतना वेजेस मिलना ही मिलना चाहिए। अगर उससे कम वेजेस मिल रहा है तो वो कानून का दरवाजा खटखटा सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड कम है बट उसकी सप्लाई ज्यादा है, लाइक इन केस ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप, इसको बोलते हैं प्लेंटी ऑफ पैराडॉक्स। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। अगर बहुत बढ़िया फसल होती है तो फार्मर फील्स हैप्पी और सैड। बच्चों सैड क्यों? मान लीजिए कि भाई 10,000 क्विंटल्स मार्केट में डिमांड है और सप्लाई है मान लीजिए 14,000 क्विंटल्स की, सो विल हिज ऑल स्टॉक बी सोल्ड इन द मार्केट? नो, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। तो जब फार्मर ने फसल उगाई डिमांड से ज्यादा, उसने स्टडी नहीं किया पहले और डिमांड से ज्यादा फसल उगा दी, व्हाट विल हैपन इन द मार्केट? मार्केट में सरप्लस हो जाएगा, सब लोग फार्मर से कहेंगे भाई इतनी ज्यादा क्रॉप है कोई खरीदेगा ही नहीं इसको, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? भाई प्राइस विल कम डाउन एंड फार्मर वुड स्टार्ट सफरिंग लॉसेस, तो अब ये आत्महत्या करेगा वहां पे। तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया। व्हाट मिनिमम? कि भाई अगर 10,000 क्विंटल आउटपुट बाजार में बिक रहा है तो कम से कम 18 रुपए प्रति क्विंटल पे ये बिकेगा, 18 रुपी पर क्विंटल। फार्मर की बेचारे की जो कॉस्ट आ रही है दैट इज लेट अस से 14 रुपी क्विंटल, बट बाजार का जो भाव है मार्केट प्राइस, इतनी ज्यादा सप्लाई की वजह से दैट हैज गॉन डाउन
टू 9 रुपी पर क्विंटल, हाउ मच? 9 रुपी। अब बेचारे ने उगाया है 14 में, क्या 9 में बेचेगा? आत्महत्या कर लेगा। तो गवर्नमेंट कहेगी बाजार में जो भाव आपको मिल रहा है अगर प्रॉफिटेबल है तो बेच लीजिए, इफ नॉट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन पे आइए और हम आपको 18 रुपए पर क्विंटल प्राइस देंगे। और अगर कोई किसान ऐसे प्रोडक्ट अपना बेचे कि उसको कोई लेटर से मनी लेंडर सस्ते में लोन दे दे और कहे नहीं तुम 12 में ही बेच दो, तो ये इलीगल माना जाएगा क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है। इस फार्मर को फिर जेल भी हो जाएगी कि तुम दूसरे लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करा रहे हो। फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? नहीं, मल्टीपल क्रॉप ग्रो कर सकता है, हम तो अभी एक क्रॉप की बात कर रहे हैं जिसकी लागत 14 रुपए बाजार में 9 रुपए की बिक रही है। तो आत्महत्या से बचाने के लिए हमने एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया, समझ में आ गया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप बोलते हैं इसको। तो मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, सपोर्ट प्राइस हो गया, एंड देयर आफ्टर सम लॉस शुड बी क्रिएटेड जिससे गरीब लोग भी अच्छी एजुकेशन ले पाए। तो अगर आप फिस्कल मेजर्स लिखते हैं तो टैक्सेशन की बात करेंगे, लेजिस्लेशन में वेज पॉलिसी, मिनिमम प्राइस एंड एजुकेशन, इन 3 चीजों की हम बात करेंगे। गॉट इट? झटपट अपडेट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, इन लोगों को थोड़ी अकल दी जाए सो दैट दे शुड कंट्रोल पॉपुलेशन। दे गिव बर्थ टू बेबीज लाइक दैट ऑफ काउज एंड पिग्स। व्हाई? क्योंकि भाई इनके पास कोई काम तो है नहीं सिवाय बच्चा पैदा करने के। ऑफिस जाए आदमी, कुछ काम धाम करे, तो इन दैट केस वो उस तरफ प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि इनके परिवार की जो कॉन्स्टेंट इनकम है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स इन द फैमिली, ऑटोमैटिकली द पर यूनिट इनकम अल्टीमेटली हैपेंस टू फॉल डाउन। एज अ रिजल्ट, ये ना अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, ना अच्छा खाने पीने का खाना इनको दे सकते हैं, पौष्टिक आहार दे पाते हैं, ना ये अच्छी मेडिसिन दे पाते हैं। पोपड़े में बात गई। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। लेट मैरिजेस हो तो उससे कुछ एडवांटेज होगा। पता लगा मैरिज हो गई इनके यहाँ, मान लीजिए 17 साल में ही, अब 17 से लेके 35-40 साल तक 10-12 बच्चा ही पैदा कर डाले। क्या बोलते हैं? दे आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। अरे गिफ्ट ऑफ गॉड एंड यू आर द सो कॉल्ड, वो क्या बोलते हैं गिफ्ट कॉल्ड? अरे उसको एक शब्द है, एडवर्सिटी ऑफ गॉड। समझ में आ गया? तो इनको क्या लगता है कि जितने ढेर सारे बच्चे पैदा होंगे खेती में उतना फायदा ज्यादा होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, जमीन अगर 40 एकड़ है, 4 लोग उसमें खेती कर सकते हैं, तो 40 लोग आएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा। थोड़ा शॉपिंग मॉल थोड़ा 4 फ्लोर बना के उसमें दुकानदारी चल रही है, तो फ्लोर तो एक ही रहेगा। चलिए, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं भाई? क्या क्या नहीं, लोगों को रख लें, बट हम तो बात कर रहे हैं ना पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी एज सच। वॉट इट क्लियर? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स खास लिखे नहीं है, मैं आपको लिखवाता हूँ, आप एक एक करके लिख लीजिए। द फर्स्ट पॉइंट इज लेट मैरिजेस, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, अवेयरनेस, फोर्थ इज बर्थ कंट्रोल मेजर्स। समझ में आ गया? तो इफ दे यूज दीज सो कॉल्ड पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड कि भाई ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ बेन है, इनके लिए बून नहीं है, तो इन दैट केस इनको थोड़ी सी अकल आ जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? झटपट अपडेट दिस। अदर मेजर्स एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर, इनकी लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी तो एज सच इनका पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट है बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या करना चाहिए सर हमें? हमें एग्रीकल्चर को थोड़ा मैकेनाइज करना चाहिए, मॉडर्न करना चाहिए। जो हमेशा मैनुअल लेबर वहां यूज करते हैं, दे शुड यूज मशीन्स। तो कम लोग भी अगर परिवार में होंगे तो खेती बेटर हो जाएगी। क्या पैसा तो सरकार देती है इनको, ये नालायक करते क्या पैसा लेते हैं खेती के नाम पे और बेटी शादी नहीं देते हैं। तो प्रॉब्लम यहां पे आती है, इनका जो डेट होता है वो प्रोडक्टिव होता है, बट जब ये लेते हैं सिर्फ तब तक जब ये उसको इस्तेमाल करते हैं अनप्रोडक्टिव बन जाता है। इज दैट क्लियर? सो बेटर सीड्स, मीन्स ऑफ इरिगेशन, केमिकल कॉम्पोजिट फर्टिलाइजर्स इनको यूज करनी चाहिए जिससे इनकी पैदावार खेत की बढ़े। अगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे तो आउटपुट भी इतना नहीं होगा, फिर 200 रुपए की गोभी बिकेगी जैसे श्रीलंका में थी। दे शुड बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस। हाउ? दे शुड बी गिवन चीपर लोन्स। समझ में आ गया?
एंड लैंडलेस फार्मर्स को लैंड देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, थ्रू सीलिंग, सर छत दे इनको, अरे नहीं भाई, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। अगर मेरे पास अंग्रेजों के जमाने का हथियाया हुआ लैंड है तो मेरे सरकार वापस ले और ऐसे गरीबों को ले जिनको ओरिजिनली वो बिलोंग करता था, बट अगर वो लोग मर चुके हैं, उनका कोई एंसेस्टर जो था वो जिंदा था ही नहीं, सारे इनहेरिटर मर गए, तो लैंडलेस लेबरर्स को लैंड दे देनी चाहिए। सो पीपल अंडरस्टूड हाउ एग्रीकल्चर कुड बी डेवलप्ड, भावे जी समझ गए, पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड। यस सर, प्राइस लेवल में सर स्टेबिलिटी कैसे आएगी? भाई प्राइस लेवल स्टेबिलिटी का मतलब है सिंपल एकदम, टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बच्चों मेरे शब्दों पे आप बहुत ध्यान दिया करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लेशन खत्म कर दें, भाई अगर इन्फ्लेशन खत्म, दाम बढ़ना खत्म, तो जिस फीस में मैं बच्चों को 10 साल पहले पढ़ा रहा था आज भी मैं फीस वही लेता, तो क्या मॉडर्नाइजेशन हो पाता क्लास का? नो। ऑनलाइन कनेक्टिविटी मिल पाती? बिल्कुल नहीं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। मान लीजिए देश में इन्फ्लेशन रेट 16% का है, तो बेचारे किसान की रसोई भी बहुत मुश्किल तरीके से चल पाएगी, आटा दाल चावल सब महंगा होगा। इसको रिड्यूस करके अगर 4% कर दें, सर फर्क क्या होगा? देश में इन्फ्लेशन रेट, महंगाई 16% है, जो सामान इस साल 100 रुपए का है अगले साल 116 का होगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? एंड इनकम का जो ग्रोथ रेट है दैट इज 9%, मतलब अगर मैं पिछले साल 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था तो मैं 1,09,000 इस साल कमाऊंगा, अगर मैं पिछले साल 1 लाख रुपए खर्च कर रहा था अपने घर पे तो अब मैं 1,16,000 खर्च करूंगा, अब मेरी कमाई बढ़ी 9,000 और खर्चा बढ़ा 16,000, क्या मैं जीवित रह पाऊंगा? नो। तो भाई इन्फ्लेशन का रेट हमेशा इनकम के ग्रोथ रेट से कम होना चाहिए, तभी आपके पास कुछ सेविंग्स बचेंगी। तो मेरा खर्चा 1 लाख से 1,04,000 हो जाए और कमाई 1 लाख से 1,09,000 हो जाए, तभी तो सेविंग बढ़ पाएगी। आर पीपल गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो इन्फ्लेशन को कम कैसे करना है? बड़ा सिंपल तरीका है, बड़ा सिंपल तरीका है, जो रिच कम्युनिटी है उनका टैक्स रेट क्या करें हम, बढ़ा दें। जब टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो व्हाट विल हैपन, ज्यादा इनकम सक करके गवर्नमेंट अपने पास ले जाएगी, तो टैक्स रेट बढ़ने से देयर परचेजिंग पावर, आई रिपीट चिल्ड्रन, परचेजिंग पावर विल गो डाउन, देयर बाइंग कैपेसिटी विल रिड्यूस, और मार्केट में जो शॉर्टेज थी इन रईसों की वजह से डिमांड वॉज मोर देन सप्लाई, ये चेक हो जाएगा जब ये लोग बाजार जाएंगे ही नहीं, दिस डिमांड विल ऑल्सो फॉल एंड विल कम टू द लेवल जहां पे वो उतना ही है जितनी बाजार में सप्लाई है। क्या दुकानदार अब महंगा सामान बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, तो इन्फ्लेशन काफी हद तक गिर जाएगा। तो अब ये जो गरीब किसान है ये भी अपनी कम कमाई में उन चीजों को अफोर्ड कर लेगा जिनको पहले ये अफोर्ड नहीं कर पाता। पूरी बात समझ में आ गई व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? तो स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल के साथ ये डायग्राम लगाइए जितना मैंने लिखा है, और इस कंटेंट को आफ्टर क्लास घर जाके ठीक से लिखा भी करिए, तभी आप एग्जाम में ठीक मार्क्स ला पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो देर आर मेनी 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 प्रोग्राम्स थ्रू विच पॉवर्टी कुड बी रिमूव्ड एट द लेवल ऑफ रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया चिल्ड्रन। सो अलग अलग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर सकती है, कॉटेज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए। कॉटेज की बात करें तो रूरल एरियाज, और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अर्बन एरियाज। साथ में अगर आपको या ऐसे किसी इंसान को वो एजुकेशन दे दी जाए जिससे आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सर जैसे मान लीजिए आपको क्लास 11 12th के लेवल पे इनकम टैक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग पढ़ा दिया जाए, या कोडिंग सिखा दिया जाए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा दिया जाए, इन सबको बोलते हैं वोकेशनल प्रोग्राम्स। कौन से प्रोग्राम्स? वोकेशनल मतलब इनकम जेनरेटिंग एजुकेशन, तो वोकेशनलाइजेशन। अभी सर क्या चल रहा है? अभी वोकेशनलाइजेशन नहीं है, जब ऐसे कोर्सेज आ जाएंगे और ज्यादा जिससे लोग पढ़ाई करके कुछ कमा भी पाए, उस तरह के एजुकेशन को हम क्या बोलते हैं? वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। खोपड़े में बात गई? तो ऐसी एजुकेशन जब आपको मिल जाएगी, मान लीजिए आप योगा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, योगा में आपने आसन वगैरह बहुत बढ़िया सीख लिए, ग्रेजुएशन आपने योगा में कर लिया, देन आप ऋषिकेश हरिद्वार चले गए, योगा से आपने बीएससी या बीए कर लिया, तो आप एक योगा ट्रेनर बन सकते हैं,
आप एक योगा वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं जिनसे काफी लोगों की बीमारियां हट सकती हैं और आपको भी एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। लाइक दैट पॉवर्टी कुड बी रिड्यूस्ड। सुनाई पड़ गई बात? तो इसीलिए आप सुनते होंगे आजकल ये योगा, AI, कोडिंग, ये सब सब्जेक्ट्स आते ही नहीं आते, ये इसीलिए आते हैं ताकि बच्चे वो जो पुराने डर्रे के सब्जेक्ट्स थे अब उनकी कोई खास जरूरत है ही नहीं हमको। भाई डॉक्टर्स हो गए ठीक ठाक, हमको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, हमको काउंसलर्स चाहिए, क्योंकि अगली बीमारी जो बहुत भयंकर है दुनिया में आजकल दैट इज डिप्रेशन। क्यों? लोगों का जो आपस का सोशल नेटवर्क है वो खत्म होता जा रहा है, दिन भर मरे पड़े हैं मोबाइल के अंदर। तो भाई जब सामने वाला रियलिटी में कोई दुख दर्द शेयर करने वाला मिलेगा ही नहीं। पहले क्या था, ज्वाइंट फैमिली थी, 15-20 लोग रहते थे, लड़ाई झगड़े में समय बीत जाता था कम से कम, इज दैट क्लियर? तो लोग खुश रहते थे। अब क्या है, मेरे चैनल पे 500 लाइक आ गए, आप में 250 है, डिप्रेशन में चला गया कोई। मेरे इंस्टाग्राम में 300 फॉलोअर है, आपके 3 लाख फॉलोअर है, मैं डिप्रेशन में चला गया। तो इसलिए बात करने वाला कोई है ही नहीं। ओके, और लोग इन बाबा ढाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं। नंदिस लिख दिया वोकेशनलाइजेशन, चलिए। देन वी शुड हैव लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको पता है क्या होता है? मोर ऑफ वर्कर्स एंड लेस ऑफ मशीन्स, जिससे हमारा लेबर फोर्स एम्प्लॉय हो जाएगा। मिनिमम नीड्स फॉर द पुअर जो भी हैं, दैट इज ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, इन सब चीजों को गवर्नमेंट अगर फ्री में प्रोवाइड करे लोगों को, तो वो पैसे कमा के जो इन चीजों पे लोग खर्च करते हैं, अब उनको यहां पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यस, डॉक्टर क्या डॉक्टर? हाँ, ये इन्होंने टेक्निक दी थी, इन्होंने बोला था गुनर मेडल ने कि भाई अगर ये काम हम करते हैं तो इससे अननेसेसरी फैक्ट्रीज को वर्कर्स तो मिलेंगे, फैक्ट्री बोलेगी मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, गवर्नमेंट का ठीक है हम उतना टैक्स में तुमको रिबेट दे देंगे, एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा लोगों का। समझ में आ गया? पक्का? बैकवर्ड एरियाज जो हैं, ओडिशा, नागालैंड, हमारा यूपी हर जगह आता है, यहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना पड़ेगा। इसीलिए आजकल चलता है व्हाट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टर समिट। क्या चलता है? अलग अलग स्टेट्स ये काम चालू कर चुके हैं, बाहर से लोग आते हैं, इनके यहाँ पैसा लगाते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं और काफी लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। गॉट इट? सबने हेडिंग लिख दी लेबर इंटेंसिव, काव्या जी लिख लिया यस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। व्हाट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर देयर, ये सब काफी खुल रहे हैं, और ये इसलिए खुल रहे हैं कि भाई लोगों के पास, जिनके पास जॉब नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। तो आपने कोडिंग सीख ली, आप एक छोटा सा कोडिंग का सेंटर ओपन कर लीजिए। क्यों सेंटर ओपन कर ले सर हम? अरे आप पैसा कमाएंगे, आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, या आपको ही गवर्नमेंट के थ्रू कुछ बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर्स, IT कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, क्योंकि भाई C++, जावा, पाइथन वो सब पुराना हो चुका है। बट अगेन, जिनको वो आता है उनके लिए कोडिंग और अच्छा है, बट आप कोडिंग सीख के एक्चुअली आज का एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत चल रहा है, और बिहार का तो अपना ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जामताड़ा का, OTP वाला। समझ गए भाई? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इफेक्टिव किया जाए, राशन कार्ड मेरे पास भी, आपके पास भी है, बट हम इतना पैसा कमा लेते हैं कि हमें फ्री के राशन की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ गरीबों को ये मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत पहले 2007 के बाद ही इसको खत्म किया और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ले आए। जिनका राशन कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कैटेगराइज होगा, सिर्फ राशन उन्हीं को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। सो सारी बातें समझ में आ गई? नहीं, आपके काम वाली जो है ना, वो आपके राशन कार्ड पे कुछ सामान लाती होगी, बट आपके राशन कार्ड को अभी वो APL लिस्ट में लिंक नहीं किया गया है। ये आपको बताना पड़ेगा जाके उनको कि अब हम गरीब नहीं है। जिस दिन गवर्नमेंट ने आधार को राशन कार्ड से लिंक कर दिया, मेरे को लगता है 99% राशन कार्ड ही कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि काम वाली भी एक्चुअली गरीब है नहीं, वो भी आजकल आईफोन लेके चल रही है, कह रही है US से रिश्तेदार आएंगे, iPhone 10 मंगवा दीजिएगा, वहां सस्ता है। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसका आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, गवर्नमेंट मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। दैट्स ऑल फॉर